फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिख रहा होगा, और ये 25 अप्रैल को लॉन्च हो चुका है दोस्तों, MI का 6X। और ये इंडिया में A2 नाम से लॉन्च होगा दोस्तों। तो मैं बताता हूँ आपको कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फ़ोन का मेन फोकस 20 मेगापिक्सल कैमरा पे लॉन्च, मतलब फोकस किया गया है दोस्तों। फ़ोन बहुत ही अच्छा है कि फ़ोन देख रहे होंगे आप, देखिए इतने सारे वेरियंट में, मतलब कलर आपको बहुत अच्छे ऑप्शन कलर मिल जाएंगे इसमें, पिंक, रेड, ब्लू, येलो। अब देखिए दोस्तों इसका जो कैमरा है, कैमरे की जो हाईलाइट है बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है दोस्तों। तो कैमरे में AI सेंसर भी दिया गया है दोस्तों, जो आपकी फ़ोटो को बहुत ही ज़बरदस्त करती है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से लड़की की फ़ोटो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है MI 6X डुअल कैमरा दोस्तों। बहुत ही अच्छे सेटअप के साथ ये खींचता है। यहाँ पर देखिए आपको बूके इफेक्ट दिख रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। बाल के देखिए कितने अच्छे तरह से इसने DSLR इफेक्ट दिया है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्मूथली फोटो लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि DSLR से ही खींची गई होगी फ़ोटो दोस्तों। बहुत ही अच्छा है फ़ोन है, तो मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि MI जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी आप दूसरी फ़ोटो देख सकते हो कितनी बारीकी से डिटेल, और मतलब फोकस भी इसने बहुत अच्छा किया, और DSLR इफेक्ट जो दे रहा है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से इसने फोकस किया हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको देख रहे होगी कि फ़ोटो कितनी क्लियरिटी, और बहुत ही मतलब लग रहा है कि हाँ यार कि फ़ोटो है, फ़ोटो खींची है, बिल्कुल लग रहा है कि डुअल कैमरा। और जैसे DSLR की फ़ोटो आप देखते होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बार बार ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि काफ़ी लुक वाइज भी काफ़ी स्लिम है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक है इसका, देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही स्लिम है। इंडिया में तो दोस्तों कब होगा लॉन्च ये तो पता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपको जैसे बैक बॉक्स खोला हमने, बॉक्स खोलने के बाद आपको यहाँ पर 6X का जो MI का 6X फ़ोन है, इसका आपको चार्ज मिलेगा Type-C वाला, जो आपके मोबाइल को फास्ट चार्ज कर, आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि फास्ट चार्जर करेगा, काफ़ी अच्छा लुक वाइज है और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से देखिए आप, देखिए चारों तरफ से देखिए दोस्तों। अब यह है आपकी Type-C लीड है, और बॉक्स में लिखा है, हम यहाँ पर फ़ोन आपको देखिए ऑन करके दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा लुक है, ब्लैक कलर में है दोस्तों। इसके जो कैमरा है दोस्तों, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, और आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे डिस्प्ले जो है 5, आपको डिस्प्ले दिख रही होगी 18:9 रेशियो वाली फुल HD डिस्प्ले है, और स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर है, और 4 GB रैम प्लस 64 GB में आपको ये मिलेगा, और 6 GB रैम और 128 GB में भी मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, 310 की इसमें MAH की बैटरी है, और ये फुल मेट, और ये 166 ग्राम का है दोस्तों, और ये इतना पतला है कि दोस्तों 7.3 mm जैक मगर इसमें आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। जो हम लीड यूज करते हैं वो उसमें वो लीड भी नहीं मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि फ़ोन दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको फ़ोन को बता दूँ, फ़ोन का पीछे का लुक है जो वो Redmi Note 5 Pro के जैसे लग रहा होगा आपको, देखिए बिल्कुल वैसे ही लगता है दिखने में, बिल्कुल वैसे ही रेड लगता है Redmi Note 5 Pro जैसा, मगर दोस्तों काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्लिम है, और काफ़ी मतलब हैंड में काफ़ी आसानी से ही फ़ोन आ जाता है। और साइड बैटर देखो आप देख रहे होंगे किस तरह से, मतलब कोने में कितना अच्छा सा राउंड शेप दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लुक लगता है इसका। और कैमरा से थोड़ा बाहर आया हुआ लगता है, मगर दोस्तों हाथ में सेट करके काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है ये। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए ये वीडियो, और मैं आपको बता दूं फ़ोन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं मेन्यू खिसका रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको कि काफ़ी स्मूथली टच काम करता है इसमें, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इसका। तो दूसरी बात दोस्तों, जो फ़ोन है फ़ोन को देखते ही काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है ये, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों, आपको लेना चाहिए ये फ़ोन। देखिए स्क्रीन, जो स्क्रीन क्वालिटी है बहुत अच्छी है, और टच तो बहुत ही स्मूथ चलता है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए, मगर हाँ दोस्तों अभी ये क्योंकि चाइना में लॉन्च हुआ है, तो आपको ये चाइनीज लैंग्वेज इसमें पूरा चाइनीज ही मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको ये बिल्कुल चाइनीज में ही मिलेगा, आपको हिंदी में नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको आपको तो अगर आपने MI का फ़ोन लॉन्च कर रखा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है, कैसा है, सेटिंग में सब दिख ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप इसको वैसे इंग्लिश में भी कर सकते हो दोस्तों, तो लैंग्वेज में जाके सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, वहाँ से आप ये इंग्लिश में भी कर सकते हो दोस्तों। तो आपको बता दूँ मैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छे, और इसमें फंक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों
बैक कैमरा जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बैक कैमरे की जो आपको फोटो और मतलब आप फोटो जो खींचेंगे ना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको इसके फोटो खींच के। बहुत ही अच्छी कैमरे की क्वालिटी है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि MI का जो मेन फोकस दिया गया है कि 20 मेगापिक्सल कैमरा, जो कैमरा है ना दोस्तों, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फोटो इसकी इतनी ज़बरदस्त आएगी कि पूछो मत, मज़ा आ जाएगा फोटो आपको देख के। देखिए कैमरे को आप, मैं फोकस करता हूँ, देखिए कितनी अच्छी फोटो की। और इसमें बूके के HDR इफेक्ट, AI इफेक्ट, मतलब आप जिधर फोकस करोगे उधर कैमरे के फोकस देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा। मतलब फ़ोन बहुत ही शानदार है काफ़ी। देखिए जूम करने के बाद भी फ़ोटो कितनी अच्छी आ रही है इसमें, तो आप काफ़ी अच्छी तरह से इसे मतलब MI के फ़ोन में जो बोलते हैं कि कैमरे की कमी थी, वो कमी दूर हो रही है अब। क्योंकि जैसे रेडमी नोट 5 प्रो में कैमरे को काफ़ी इम्प्रूव किया, वैसे MI A1 का भी फ़ोटो काफ़ी अच्छी थी, मगर अब MI A2 का जो इंडिया में ये 6X नाम से जो चाइना में लॉन्च हुआ है, वो इंडिया में AI लॉन्च होगा, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा दोस्तों। कैमरे की क्वालिटी देखिए आप, यहाँ पर देखिए जो बूके इफेक्ट है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं बूके इफेक्ट। देखिए कितने अच्छी तरह से फ़ोटो को कैप्चर किया है। कलर प्रोडक्शन देखिए, आसमान का कलर देखिए आप कितना बिल्कुल नेचुरल। फ़ोटो बहुत ही अच्छी है दोस्तों इसकी, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये फ़ोन लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कंपनी ने बोला है दोस्तों, मुझे कोई कंपनी कंपनी नहीं बोला है अभी तक, मैं वहाँ उस लेवल तक पहुँच भी नहीं पाया हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी फ़ोटो आती है। इसकी डिटेल देखिए, क्लियरिटी देखिए दोस्तों, क्लियरिटी आप अगर इस फ़ोटो को जूम करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्लियरिटी नज़र आएगी। और जो इसके पिक्सल हैं वो फटते भी नहीं है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। और इसमें सोनी का भी कैमरा लगाया गया है दोस्तों, जिसको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो के साथ। देखिए आसमान का कलर भी कितना अच्छे से, मतलब फ़ोटो बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों उसमें, तो प्लीज़ मेरी ये। चलिए आप देखते हैं दूसरी वीडियो,加班वीडियो宵नंबर夜如 7 何自拍出深夜食堂的小温暖？AI 识别自动柔光灯。KTV 合影怎样拍实力派秒变偶像派？合影模式同时支持五个人的个性美颜，小米六 X 拍人等。प्लीज दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल।